नहीं देखा। ये छठ घाट का दिन कितने दिन से चलता आ रहा है आपका? दस साल हो गया सर। दस साल हो गया साल। और यहाँ क्या विवाद है बताइए? दस साल से यहाँ रह रहे हैं लोग। पंडित जी यहाँ पानी नाम रख के बताइए, पंडित जी का क्या नाम है? इंद्रजीत पांडे। कस के बोलिए? इंद्रमन पांडे। अच्छा, और ये जो है यह पानी कितने दिन से बहा रहे हैं पंडित जी? दो साल से, जब नया प्रधान हुए हैं तब से पानी गिरा रहे हैं। और छठ घाट के ठीक सामने गिरा रहे हैं कि कहीं बगल में गिरा रहे हैं? छठ घाट के सामने। अच्छा, और छठ घाट पर और भी कोई चीज का निर्माण हुआ है? मंदिर है। किस चीज का मंदिर है? राम जानकी मंदिर। राम जानकी मंदिर। यह मंदिर कितने दिन का है? लगभग 35-40 साल हो गया। अच्छा, और इनका पानी कभी बहता नहीं था? नहीं, कभी नहीं, रह रहे हैं 15 साल से, 17 साल हो गया। इनका क्या नाम है पंडित जी का? इंद्रमन पांडे। इंद्रमन पांडे। और इनका भवन कब से बना हुआ है? इनका मकान कब से बना हुआ है? अरे 15-16-17 साल हो गया। इसके पहले इनका पानी कहाँ गिरता था? गड्ढा खून के गिराते थे। अच्छा, अब किस वजह से पानी गिरा रहे हैं? प्रधान हुए हैं तमसाद, तब से पानी गिरा रहे हैं। और कौन गिरवा रहा है? तमसाद प्रधान। इसमें प्रशासन के लोग आए थे? हाँ, प्रशासन आया था, बंद करवा के गए थे एसडीएम साहब। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया कि बोले कि मेरे घर शादी है, एसडीएम साहब आए बोले कि तो 8 दिन के लिए खोल दो। हाँ। 8 दिन के बाद ये बंद कर देंगे पानी। हाँ। फिर से तब से गिरा ही रहे हैं, बंद भी नहीं किए। आपका क्या नाम है? मिथिलेश शर्मा। आपके साथ कितने आदमी हैं? पूरे गांव है, हिंदू समाज पूरा। अच्छा, हिंदू समाज। ये भी तो ब्राह्मण है? ब्राह्मण है तो नहीं मान रहे हैं कहने पर, प्रशासन के कहने पर भी नहीं मान रहे हैं। मान रहे हैं, दबंगे कर रहे हैं एकदम। यहाँ कभी बवाल भी हुआ था? बवाल तो हो ही सकता है जब ऐसे रहेगी तो। अच्छा, हर साल की यही प्रक्रिया है, पिछले साल भी यही बवाल हुआ था, पूरा गांव एकत्रित हुआ था। अच्छा, इनका मकान कौन है? सामने वाली। इसमें लोग रहते हैं? हाँ। आवासीय मकान है? हाँ। नहीं, बदला किए हैं पर। हाँ, आवासीय मकान, आवासीय मकान। और नाली कहाँ है इनका, किधर बताएं, संकेत से बताएं।